कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कारकुनान को यहाँ पर जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस की जानिब से इन लोगों को जो है वो घसीटा जा रहा है। लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, इन्हें पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार कि किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को पिछले चार दिन से लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से जो है वो पूछताछ की जा रही है, जिसके चलते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और जम्मू में भी आज इसी तरह से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था, जिसके चलते जो है इन लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है। जितने भी लोग हैं ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, जो राहुल गांधी जो समन भेज रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल जो है जो इनका प्रोटेक्ट यहाँ से हटाने की जा रही है, बस में जो है इन्हें जा रहा है, यहाँ से कर रहे थे इन्हें हटाने की पूरे तरीके से जो जा रही है। हमारे हाईकमान को परेशान किया जा रहा है और जोर का प्रदर्शन करेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम यहाँ पर पुलिस वाला लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कारकुनान को यहाँ पर फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि पिछले चार दिन से लगातार कांग्रेस कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर हैं। और राहुल गांधी को जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पिछले चार दिनों से पूछताछ कर रही है, उसी के चलते जो है लगातार कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कारकुनान को यहाँ पर जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल के लिए जो है ये गाड़ी यहाँ से जो है वो निकल चुकी है। देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है और बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व पे जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, पूरी प्रजातंत्र पे ये हमला है, डेमोक्रेसी पे हमला है। जब आप सवाल पूछो, क्योंकि राहुल गांधी की आंख में आंख डाल करके, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आज अग्निपथ हो, इस तरह की जो स्कीमें हैं, चाइना की घुसपैठ हो और नोटबंदी हो, कोरोना में महामारी में जिस तरह से लोगों की जाने गई हो, हर बात पे चूंकि प्रेशर उठाते हैं, इसलिए मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पे बहुत परेशानी है। आज भी जिस तरह से उन्होंने स्कीमें चलाई हैं और युवा जो है वो सड़कों पर हैं, आगजनी में हैं, वो जान देने को तैयार हैं, इस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ही उठाती है। और इसलिए बदले की भावना से ये फेक केस बना करके 8 साल से जो बंद था, दोबारा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया। जो नेशनल हेराल्ड हमारी वो अखबार है जो धरोहर है, जो पहचान है आज़ादी की, जिसको 100 किश्तों में अगर 90 करोड़ रुपया जो पत्रकारों का तनख्वाह थी, अखबार के मुलाजमों की तनख्वाह थी 67 करोड़ रुपया, और बाकी दफ्तरों के किराए, बिजली पानी के, अगर वो कांग्रेस पार्टी ने अपने से दिया और उस लोन को बाद में माफ़ करने के लिए एक कंपनी बना के उसको शेयर में बदला, उसकी संपत्ति सारी जो है वो ट्रस्ट के नाम है,
जो कि नो प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसका ना कोई पैसा खा सकता ना खाया गया, ना कोई प्रॉपर्टी हड़पी गई ना हड़प सकता है, क्योंकि कानून ऐसा है। उसी कानून के तहत सेक्शन 25 जो कंपनी है जिसमें नो प्रॉफिट ट्रस्ट जो है उसको वो बनाया गया है, तो घोटाला कहाँ है? और घोटाला होता तो इनकम टैक्स ने लिख के दिया, पहले इसको क्लीन चिट मिली तो पहले 8 साल पास आए थे। इसलिए आज मोदी सरकार दबाव बनाने के, जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकी ओपोजिशन पार्टीज में भी इसी तरह की जो है दबाव बनाते हैं कि विपक्ष की आवाज़ ना रहे। इस देश के अंदर जमहूरियत में जितना रोल सरकार का है उतना ही विपक्ष का होता है। आज तमाम पार्टीज के खिलाफ आप देख रहे हैं, जब कोई पार्टी का बड़ा लीडर जिसके खिलाफ ये कहते हैं घोटाला है, जब वो इनकी पार्टी में जाता है तो ईडी सीबीआई सारे इनकम टैक्स जो है वो खामोश हो जाते हैं, और जब कोई इनसे बाहर जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इस किस्म का वातावरण ये देश के लिए घातक है, जमहूरियत के लिए घातक है। और वो आज़ादी की लड़ाई जिसमें कांग्रेस पार्टी के और देशवासियों ने करोड़ों कुर्बानियाँ दी, उस अखबार को जिसको कई बार ताला जरा अंग्रेजों ने, जिन्होंने हिंदुस्तानियों पर अत्याचार के लिए लिखा और देश दुनिया को पता चलता था कि भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है, उस अखबार को, उसके मुलाजमीन को, उसके पत्रकारों को 67 करोड़ रुपया तनख्वाह देना बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और 10-10 हज़ार करोड़ रुपया लेकर के फिर ये मालिया जैसे लोग, नीरव चौकसी जैसे, ये मोदी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे बाहर देशों में चले गए, हवाई जहाज से गए, चोरी रास्ते से नहीं गए, और ये सरकार तमाशा देखती रही। आज इनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी और यही मिला, इसलिए कि ओपोजिशन में और गांधी परिवार कांग्रेस लीडरशिप को प्रदान किया जाए। इसलिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में सड़कों पे हैं, और लगातार हम रहेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, हम संघर्ष करेंगे, और गलत नीतियां जैसे अग्निपथ जैसी स्कीम है, बच्चे मर रहे हैं, इसके खिलाफ भी प्रदर्शन।